Hi everyone, how are you? Welcome to the School of Maths and Science. And from the green board, you might have come to know for which class today I'm going to give the lecture. The class for which I'm going to give the lecture, that is fifth class of ICSC. And the lesson number which we are going to do, that is the sixth lesson, solid, liquid and gases. अब ये जो बेटा बोर्ड पे लिखा है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, इसको लेसन को शुरू करने से पहले आपको खुद को पता होना चाहिए सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है, जो कि आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा पढ़ा था। सॉलिड चीज़ें कौन सी होती हैं, यू माइट हैव सीन इट, लिक्विड कैसी होती हैं और गैसेस कहती हैं, जो एग्जाम्पल्स आपने फोर्थ में कर ली थी। तो अब जो फिफ्थ में इसमें नया ऐड होगा, दैट वी विल बी टीचिंग यू, जो फोर्थ में पढ़ा था इनकी डिफाइंस पढ़ी थी और एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, इसके अलावा हमने फिफ्थ में आगे क्या क्या और इसमें ऐड अप करना है वो आप सीखोगे। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर द अपकमिंग वीडियोस। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज द सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो एग्जाम्पल्स मैंने कहा था दिस डस्टर और दिस चॉक, तीनों में से क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? एंड दिस ग्रीन बोर्ड, व्हाट इज इट, इज इट सॉलिड लिक्विड और गैस? दीज ऑल आर सॉलिड थिंग्स, ये सारी क्या चीजें हैं, सॉलिड हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लिक्विड। लिक्विड में आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल। अब इसमें बेटा ये जो है ये फ्लो कर रही है जो चीज, व्हाट इज इट, जो बॉटल के अंदर है, बॉटल इज अ सॉलिड बट इसके अंदर क्या है, इट्स अ लिक्विड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ अ गैस। गैस आपने सभी ने बैलून्स देखे हैं, तो बैलून्स के अंदर हवा जो भरी जाती है, व्हाट इज इट, दैट इज अ गैस। सो कोई भी उड़ने वाली चीज जो कि जैसे कि भी आपने एयर है, ठीक है, एयर इज अ गैस जो हम बैलून्स में भरते हैं, और एक और बोलते हैं हम लोग गैसी गुब्बारे, वो जो ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं, जैसे गुब्बारे को छोड़ोगे ऊपर आसमान में उड़ जाएंगे, तो उसके अंदर भी एक गैस भरी जाती है। तो वी विल लर्न अबाउट द गैसेस, वो कैसी हैं, लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। अब ये जो सारी चीज़ें हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस, इन सब को हम मिला के क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है मैटर। तो मैटर जो वर्ड है, इस मैटर वर्ड के ऊपर पूरा चैप्टर है सिक्स स्टैंडर्ड में जब जाओगे, विच इज इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन द फिजिक्स। सो मैटर, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड हैव दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है मास, एक है इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो जो भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका वेट है, जिसका वेट है और जो स्पेस कवर करती है, वो होती है मैटर। तो सारी हर एक चीज मैटर है, किसी छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी से बड़ी चीज हर एक मैटर होती है। तो मैटर जो है उसकी एग्जांपल आप कुछ भी लिख दो, टेबल, चेयर, बेड, द डोर, विंडोज, एनीथिंग, एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। बट मैटर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, दोज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने मैटर को तीन चीज़ों में डिवाइड कर दिया और उसको बोल दिया स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड स्टेट है एवरी वन नोज कि वो बड़ी हार्ड होती हैं, ठीक है, ये डस्टर है, इट्स वेरी हार्ड, एंड द बेड, द ग्रीन बोर्ड, ऑल ऑफ द थिंग्स आर वेरी हार्ड इन नेचर। तो सॉलिड्स हमेशा हमने देखे हैं हार्ड होते हैं। और लिक्विड्स कैसे होते हैं, लिक्विड्स जो फ्लो कर सकते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब जो गैसेस हैं, गैसेस ज़्यादातर एयर किसी ने देखी है, तो गैसेस आप देखते ही नहीं हो, तो गैसेस कैसी होती है, हल्की होती हैं, गैसेस आर वेरी लाइट इन वेट। अब इसकी टर्मिनोलॉजी जो है, ये सॉलिड लिक्विड गैस, इसको हम साइंस में कैसे डिफाइन करते हैं वो हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे।
सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ये मैटर की तीन स्टेट्स हैं. अब सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स का बने होते हैं मैटर, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है. हर एक जो चीज़ है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एंड दोज स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. अगर मैं चौक को छोटा छोटा तोड़ता रहूँ तो सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा दैट विल बी मॉलिक्यूल ऑफ दैट पार्टिकल. और मॉलिक्यूल से नीचे हमारा बनता है एटम ऑफ द पार्ट दैट सब्सटेंस. अब जो मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, उसकी एक पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स थ्रू द डायग्राम वी विल लर्न कि कैसी अरेंजमेंट है, एंड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस. अब जो अरेंजमेंट है सॉलिड्स की, द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड है. एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल एकदम से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर की बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस है. नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम, ऑलमोस्ट ज़ीरो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस. क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिकुलर स्पेस. अब इंटर मॉलिकुलर स्पेस जो है वो सॉलिड्स में बहुत कम होती है. तो अब जो है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, दे डू नॉट हैव एनी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो दे कैन दे मूव अराउंड इन द सॉलिड्स? नो, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अराउंड इन केस ऑफ सॉलिड्स. अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की. लिक्विड्स में थोड़ा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, तो दे कैन मूव अराउंड, दैट्स वाई दे कैन फ्लो. इसीलिए तो फ्लो करता है पानी. कोई भी ऑयल, कोई भी लिक्विड चीज जो है, जूस हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें क्या फ्लो करती हैं. क्यों फ्लो करती हैं? बिकॉज दे हैव अ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स टू मूव ऑन. इनके अंदर स्पेस होती है. अब बारी आती है गैसेस की. गैसेस जो हैं उसके पार्टिकल्स तो भाई बहुत बहुत दूर है. दे हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, बहुत जगह है पार्टिकल्स के बीच में. सो दे कैन ईजिली मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. आप जिस तरफ को हवा चलाओगे उसी तरफ को वो गैस जो है उड़ जाएगी, ठीक है. तो दे कैन टेक द एंटायर स्पेस ऑफ अवेलेबल, जितनी भी जगह इनको मिलेगी ना उतनी जगह ये कवर अप कर लेंगे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं. जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप डिओड्रेंट डालते हो सभी गर्मियों में, नहाते तो कम हो लेकिन डिओड्रेंट तो डालते हो ना. तो डिओड्रेंट डाला, जैसे कमरे में डिओड्रेंट को आपने फिस किया, व्हाट डज दैट हैपन्स, क्या होता है? पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है, ठीक है, फ्रेगनेंस पूरे कमरे में फैल जाती है. तो वो जो फ्रेगनेंस फैलती है वो किस वजह से है? बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड एनी वेयर इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि उनके पास बहुत स्पेस है कवर करने के लिए. नाउ द सॉलिड्स दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, दे डू नॉट हैव एनी स्पेस टू मूव अराउंड. लिक्विड्स are less tightly packed, they have some space to move, they can flow from higher level to lower level, and in case of gases they are not at all tightly packed, they have lot of space to move around in any direction. तो ये था particles कैसे arrange हैं solid, liquid और gas के. ऐसे ही आप diagrams भी अपनी copies में बनाओगे, लेकिन अभी नहीं, जब आपको आपके class teachers बोलेंगे. अच्छा बेटा, अब हमने जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस की पार्टिकल्स की बात कर ली कि कैसे अरेंज्ड हैं. अब हम बात करेंगे उसकी शेप की, कि सॉलिड्स की शेप कैसी होती हैं, लिक्विड्स की और गैसेस की. तो अब बात करता हूँ अगर मैं अगेन डस्टर या इस बोर्ड की या आपकी बुक की या चौक की, इनकी शेप जैसी है वो फिक्स्ड शेप है. शेप हमेशा इनकी फिक्स्ड रहती है. क्यों? बिकॉज जहाँ पे जो पार्टिकल है वो वहीं पे रहता है, दे डू नॉट हैव स्पेस टू मूव. तो जैसा है वो वैसा ही रहता है. दे डू नॉट हैव द स्पेस टू मूव ऑन फॉर दीज सॉलिड पार्टिकल्स. तो इनकी एक डेफिनेट शेप होती है. चेयर की अपनी शेप है,
टेबल की अपनी शेप है, डोर की अपनी शेप है, तो ये शेप वैसी की वैसी रहती है सालों साल तक, कई सालों तक ऐसी की ऐसी शेप रहती है। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स जो शेप होती हैं वो होती है जैसा कंटेनर वैसी उसकी शेप। इस कंटेनर में मैंने डाला तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी लिक्विड की, अगर मैं ग्लास में डालता हूँ तो ग्लास वाली शेप ले लेगा, अगर मैं जो है इसको बॉटल में दूसरी में डाल दूँ बड़ी वाली में तब बॉटल का, अगर बकेट में डाल दूँ तो बकेट वाली शेप। तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। और बात आती है गैसेस की, अगेन गैसेस की भी वही शेप होगी जैसा कंटेनर होगा। बैलून राउंड शेप्ड है तो बैलून के अंदर जितनी हवा भरेगी वो राउंड शेप में भरी जाएगी, ठीक है। अगर हम बॉक्स में हवा भर दें, टायर में हवा भर दें सर्कुलर शेप में जो कि रिंग शेप में आ जाएगा, तो उसमें जो साइकिल का टायर है उसकी शेप में हो जाएगा। तो दे ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और जितनी जगह मिली वहाँ पर ये फिक्स हो जाते हैं। तो अब हमारे पास जो शेप्स की हमने बात की है, दे हैव फिक्स्ड शेप, इनकी शेप फिक्स होती है, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड, कंटेनर की शेप, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, दे ऑल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर, डोंट हैव देयर फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। तो शेप के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो के बारे में। तो बेटा फ्लो के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैन सॉलिड्स फ्लो, नो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, कैन लिक्विड्स फ्लो, यस। तो दे कैन नॉट फ्लो, यस लिक्विड्स कैन फ्लो, यस गैसेस कैन फ्लो। तो इसमें फ्लो जो है इट इज़ फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब जो टंकी हम भरते हैं पानी वाली, ठीक है, मोटर लगा के भरते हैं, तो नीचे से पानी जो है वो ऊपर जाता है, लेकिन उसके लिए मोटर यूज़ करनी पड़ती है। बट अगर मैं बात करूँ टंकी से ऊपर से नीचे पानी टैप्स में आना है तो उसके लिए हमें मोटर यूज़ करनी पड़ती है, नो इट ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। तो हमेशा लिक्विड्स हायर टू ऊपर से नीचे आते हैं, हायर टू लो लेवल हमेशा फ्लो करते हैं, दोज आर लिक्विड्स। बट इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, चाहे ऊपर को चली जाएँ, चाहे नीचे आ जाएँ, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, दे कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो एट ऑल। तो ये हमारे तीन पॉइंट्स हुए हैं, अभी आगे और हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज़ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का पता भी तो होना चाहिए ना बच्चों को, है क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब है। अगर मेरे पास कोई बॉक्स है या कोई कंटेनर है उसके अंदर कितनी चीज़ मैं डाल सकता हूँ, तो वो होता है उसका वॉल्यूम। अब ये जो एक आपके पास ग्रीन बोर्ड है, दिस बोर्ड दैट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वेट जितना है, जितनी चीज़ इसके अंदर भरेगी वो भरी गई, इसकी शेप बन गई, जो चीज़ इसके अंदर आ गई दैट इज़ इट्स वॉल्यूम। ये डस्टर है, डस्टर की फेस जो फिक्स्ड शेप है, इसके अंदर जितना इसका वेट बन गया, ठीक है, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम। अब द सेम वे जो लिक्विड्स होते हैं उनकी भी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। अगर एक लीटर का जो है मेरे पास बॉटल है तो मैंने एक लीटर पानी भर दिया उसमें, तो एक लीटर ही रहेगा, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होगी, हमने उसकी वॉल्यूम जो है वो काउंट कर ली। अब जो वॉल्यूम होती हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इन केस ऑफ लिक्विड्स, यस ऑफ कोर्स दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, बट इन केस ऑफ गैसेस नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। तो ये डिफरेंस याद रखना है। वॉल्यूम के केस में अगर हम बात करें द कैपेसिटी ऑफ दैट थिंग, अब इसमें जो है सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन गैसेस की फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट नाउ। ये बेटा जो फिफ्थ पॉइंट है ये अभी मैंने सॉलिड्स के लिए लिखा है। शेप ऑफ सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड
or altered by applying external force and temperature. अब इस sentence को समझना है आपने कैसे कि शेप जो है ना सॉलिड की बदली जा सकती है. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो शेप के बारे में बताया था कि सॉलिड की शेप जो है वो फिक्स्ड होती है और लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती, गैसेस की शेप फिक्स नहीं होती. बट अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड की शेप मैं चेंज कर सकता हूँ. यस बेटा वी कैन चेंज इट. कैसे? अब ये डस्ट की शेप फिक्स है, ठीक है, ये चौक की शेप फिक्स्ड है. अब चौक की शेप फिक्स्ड है लेकिन अगर मैं अप्लाई करूँ फोर्स, अगर ये ऐसे पड़ा है तो पड़ा है, इसकी शेप कभी चेंज नहीं होगी. लेकिन इफ़ आई अप्लाई फोर्स, ताकत लगाई, तोड़ दिया, शेप चेंज होगी? ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया. तो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, मैंने एक्सटर्नली फोर्स लगाई उसके ऊपर, ये ग्रीन बोर्ड ऐसे का ऐसे रहेगा सालों साल तक, जब तक मैं इसके ऊपर हथौड़ा मार के इसको तोड़ ना दूँ. तो मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तभी कोई चीज़ सॉलिड जो है उसकी शेप चेंज होगी, अदरवाइज जो सॉलिड चीज़ जैसी है वैसी की वैसी रहेगी जब तक हम उसको तोड़ते नहीं हैं. तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स. तो फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल तभी उसकी सॉलिड की शेप चेंज होती है. अब ये बात आगे शेप फोर्स की कि फोर्स अप्लाई किया तो हम शेप चेंज कर सकते हैं सॉलिड के केस में. बट इन केस ऑफ टेम्परेचर की बात करूँ कि टेम्परेचर से सॉलिड कैसे चेंज होगा? यस बेटा, टेम्परेचर से सॉलिड चेंज हो जाता है. आइस देखिए, बर्फ़ फ्रीज़र से निकालते हो, अब उसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फ्रीज़र में टेम्परेचर कम था, माइनस में था, अब टेम्परेचर जब हम बाहर ले आए टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो गया. अब टेम्परेचर जब बढ़ा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से डैट आइस चेंजेस इनटू वाटर, डैट मीन्स सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करने से उसको वो, अब जब किसी भी हम सॉलिड चीज़ को गर्म करते हैं, मक्खन लिया सॉलिड शेप में, उसको गर्म किया तो पिघल गया, डैट मेल्ट्स डाउन, तो मेल्ट हो गया, तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. तो अगर हम फोर्स लगाएं तो हम शेप चेंज कर सकते हैं सॉलिड्स की, या अगर हम टेम्परेचर को बदल दें तो सॉलिड्स की शेप जो है वो चेंज हो जाती है. द सेम केस इन केस ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स में हम फोर्स लगाने की बात नहीं करते, लिक्विड्स में हम बात करेंगे टेम्परेचर की. अगर टेम्परेचर बढ़ाएँ तो लिक्विड्स जो हैं वो चेंजेस इनटू गैसेस, अगर टेम्परेचर कम कर दें तो लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड. और इस केस में अब हमने सिर्फ जो फिफ्थ पॉइंट था डैट इज अप्लाइंग, अब फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपने यही सीखना है कि सॉलिड जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे या टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से इनकी शेप सॉलिड्स की चेंज होती है. फिफ्थ स्टैंडर्ड में यही है. और फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपको चार ही पॉइंट गिवन है लिक्विड्स और गैसेस के, जो मैं आपको ऑलरेडी चार पॉइंट्स करवा चुका हूँ. बट अभी हम जो है यहाँ तक ही चैप्टर को करेंगे, ठीक है. इसके आगे जो है ये था पेज नंबर 68, 69 एंड 70 पेज पर जितना था. उसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है आगे चैप्टर कवर अप करूँगा और आगे आपको बताऊँगा सॉल्यूशंस के बारे में. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, उसकी टाइप्स कौन सी हैं और जो है सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं. तो ये हम सारा का सारा जो है जो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट. थैंक यू बेटा.